अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। जैत चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छठीकरा में बिजली घर के समीप रहने वाले बालकृष्ण की पत्नी अनीता ने पड़ोस के ही रहने वाले नामजदों पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार घटना बीती 27 अप्रैल सुबह 10 बजे की है, जब महिला का पति वृंदावन में फोगला आश्रम के समीप दुकान पर हेयर सैलून का कार्य करने गया था। आरोप है कि जब महिला घर में अकेली थी तभी पड़ोसी दिगंबर घर में घुस आया और अपने यहाँ घुस खलवाने की कहने लगा। आरोप है कि महिला के मना करने पर भी वो नहीं माना और छीना झपटी करने लगा। तभी महिला शोर मचाते हुए घर से बाहर आ गई। तभी दिगंबर के भाई बहन ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और कानों के कुंडल छीन ले गए। पीड़िता के अनुसार उसने घटना की सूचना 100 नंबर पर देने के साथ जैत चौकी पर भी शिकायत की। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची जरूर थी, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जब स्थानीय स्तर पर पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला, तब महिला ने 4 मई को SSP को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में आज थाना वृंदावन पहुंची पीड़ित महिला ने घटना के संबंध में मंच न्यूज को जानकारी दी। मेरा नाम अनीता है। कहाँ से आई हैं? छठीकरा से। क्या घटना रही आपके साथ? मेरे साथ में ये घटना रही है कि मेरे घर के पड़ोस में एक दिगंबर नाम का है, वो जबरदस्ती थे मेरे घर में घुसाया। उसने बोला कि हमारे बस को भरवाया, मैंने उससे मना कर दिया, वो जबरदस्ती छीनने लगा मुझे। मैं बाहर आके चिल्लाने लगी, इतने में ही उनके भाई और दोनों भाई आ गए, उनकी माँ बहन आ गई, उन्होंने मुझे मारपीट करी बड़ी ज़ोर से, मेरे कुंडल मुंडल को सबको छीन के ले गई हैं। मैंने पुलिस चौकी में फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई थी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 100 नंबर से पुलिस गाड़ी आई, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो वजह मतलब घुसपोर डलवाने की? हाँ, पीछे ही घटना हुई है। हाँ जी हाँ, घर में घुस के मुझे ही फिर मारा पीटा। अब कुछ लोग आए बचाने के लिए, किसी ने नहीं बचाया मुझे। अब आप अपनी शिकायत लेकर यहाँ थाने आई? हाँ, अब मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या कह रही है पुलिस? वो जो कह रही है कार्रवाई हो जाएगी, अभी तक तो हुई नहीं है, बताइए क्या कर रहे हैं। Now the RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.